सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 10। और जैसे कि हमने पार्ट 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पर पिछले साल का भी कुछ प्लेलिस्ट मिलेगा, अगर आप उसे वॉच करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी सवाल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, मैंने एक न्यू चैनल भी क्रिएट कर दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि वहाँ पे जैसे ही 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा ना, तो लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। और मैंने कल स्टार्ट कर रहा था तो नहीं हो रहा था। कारण क्या है कि यूट्यूब का नियम है कि जब तक आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होगा, तब तक लाइव स्ट्रीम नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि फटाफट उस पर 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, उसके बाद हम उस पर हम लाइव क्लास को चालू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए, आज हम करेंगे ज्योग्राफी के पार्ट 10। हिस्ट्री का पार्ट कर चुके हैं कुछ, मतलब, और मैथ का भी हो चुका है, करंट अफेयर्स का भी, साइंस का भी। तो जो लोग भी नए बच्चे आते हैं डेली के, तो जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्लास रेगुलर नहीं रखेंगे ना तो आगे चल के दिक्कत होगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए जाके प्लेलिस्ट को रट लीजिएगा अभी से ही जाके, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में है 4 सितंबर, बी में है 7 दिसंबर, सी में 26 फरवरी और डी में है 15 जनवरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज कितना तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया ना, तो आने वाला जो अभी 15 जनवरी है, सेना दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है 2 में, 2 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हो जाएगा मैसूर, ठीक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये मैसूर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है 3rd में, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें से लगभग लगभग मैं आपको बता देता हूँ, 25 में लगभग, मतलब कि 15+ सवाल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि हो जाएगा संस्कृत। कौन सी भाषा देवभाषा है भैया, तो संस्कृत है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है 4 में, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है, 50%, 40%, 45% या फिर 55%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा 40%, ठीक है। हिंदी भाषा भारतीयों का कितना प्रतिशत, 40 नहीं, 40% लगभग है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 5 में, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है, शिलालेखों की क्या लिपि है, देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्ठी और डी में ब्राह्मी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए, अगला सवाल है 6 में, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट होता है मैं आपको बता देता हूँ कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। किसने कहा मध्य रात्रि के कटोरे, सॉरी मध्य रात्रि के टकोर पर, जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो किसने कहा था भैया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। क्या बोले थे, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 7 में, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। यहाँ पे है आपके सामने चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हो जाएगा चित्तरंजन दास। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का 8 में, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये सवाल तो मतलब हर बार एग्जाम में पूछता है यार, क्या मैं आपको बताऊँ, मतलब कि मोहनजोदड़ो ये जो सवाल है ना, ये मुझे लगता है कि हर, मतलब, एग्ज़ाम में आता है, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, मतलब एसएससी, मैंने हर बार इस सवाल को देखा हूँ, प्रीवियस उठा के देख लो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के देख लो, ये सवाल मतलब हर बार रिपीट हुआ है। तो इसका हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए, हो जाएगा सिंध, ठीक है।
देखिए, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट जैसा लगता भी होगा ना, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट पूछ लेना। चलिए, और यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मोहन जोदड़ो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दिया, ये मत बोलिएगा कि सर नहीं पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है, तो हम लोग का ऑप्शन में है क्या, सिंध। तो सिंध पे मैंने टिक कर दिया, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 9 में, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1952 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, या फिर 1970 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा 1972 ईस्वी में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 10 में, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। फिर से सवाल को समझिए, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन सी, यानी कि भारत, हम लोग का देश। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 11 में, निम्नलिखित में से किसका नाम, किसका सॉरी किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, डॉक्टर विधानचंद राय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, और डी में है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा डॉक्टर विधानचंद राय के। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के सवाल खास करके ध्यान रखिएगा, किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हम लोग का 12 में, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस, या फिर डॉक्टर दिवस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शिक्षक दिवस। ठीक है, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, जो कि जन्मदिन इनका जो होता है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 13 में, 13 क्या है भैया, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 14 में, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की, लक्ष्मीबाई की, सरोजनी नायडू की, या फिर कमल नेहरू की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा सरोजनी नायडू की। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, तो सरोजनी नायडू की। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 15 में, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है, समृद्धि होता है जो किस दिन मनाया जाता है। 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 16 में, संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है। संचयिका दिवस 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर, 8 फरवरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि हो जाएगा 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है 17 में, 70 भी इम्पोर्टेंट सवाल है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, पहली, सातवीं, छठी, चौथी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि छठी कक्षा में, मतलब कि होता है दाखिल, ठीक है, नवोदय विद्यालय में। अगला सवाल है हम लोग का 18 में, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। जितने भी दिवस से सवाल है देख लीजिएगा, यहाँ से पक्का सवाल 1 नंबर का आएगा। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का 19 में, 19 भी इम्पोर्टेंट सवाल है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। 14 फरवरी, 24 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी,
यानी कि हो जाएगा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। 20 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब भैया? 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हम लोग का। 21 में भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब लिया गया है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इस उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हम लोग का। 22 में भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है? नाम भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डाउट जैसा लग रहा है, इस पे विज्ञान होगा शायद यहाँ पे, औद्योगिकी विज्ञान। ठीक है, सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञान को कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमसे मतलब कि हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि हमारा वर्ड जो है ना टाइप करने में कुछ गलत कर देता है, जैसे ही इंटर करते हैं ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, तो औद्योगिकी विज्ञान हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हम लोग का 23 में। 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक और कोसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुवर्णरेखा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। 24 में देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सरदार पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हो जाएगा क्या, सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हम लोग का। अगला सवाल है 25 में, 25 भी इम्पोर्टेंट सवाल है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा कितना सवाल, 25, ये इसमें रहा पार्ट 10 में, तो हम लोग ने 10 पार्ट किए कर लिए और 25 सवाल एक पार्ट में, तो 250 सवाल हो गया। तो 250 सवाल अभी तक हम लोग कर चुके हैं, अभी टाइम है 40 दिन नहीं है, लेकिन 1 मंथ मान लो, तो 1 मंथ में अगर 30 वीडियो, 1 मंथ में 30 वीडियो, 30 ना 20 ही मानो, 20, तो 20 अभी कितना हो जाएगा, 20 × 1 मिनट, 20 मल्टीप्लाई अभी हम लोग का 1 25 है ना, 25 दुनी, यानी कि अभी लगभग अप्रॉक्स 500 सवाल करेंगे जियोग्राफी का, पूरा रट के इस बार जाना है, किसी हाल में एग्जाम में गर्दा मचा देना है। ठीक है, बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और जो लोग भी नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही 1K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, लाइव क्लास दिए जाने लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।